Hello friends, I am Dr. Chiranjeev Chhabra, Chief Dermatologist and Director, Alive Wellness Clinics. I am a specialist in non-invasive body contouring. Iska matlab ye hai ki non-invasive, non-surgical body contouring ki main specialist hoon. और हम ये काम 2002 से कर रहे हैं, जिसमें हम बिना सर्जरी के बॉडी को ज़्यादा शेप में लाने की कोशिश टेक्नोलॉजी से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कूल स्कल्पटिंग के बारे में। व्हाट इज़ कूल स्कल्पटिंग, ये क्या होता है, कूल स्कल्पटिंग का प्रोसीजर कैसे है, कूल स्कल्पटिंग की साइंस क्या है और कूल स्कल्पटिंग की कॉस्ट कितनी होगी। तो दोस्तों चलें बात करें कूल स्कल्पटिंग के बारे में। कूल स्कल्पटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो फैट बल्जेस को कम करती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी को ज़्यादा शेप में लाती है। मान लीजिए किसी का पेट थोड़ा बड़ा है या किसी के हिप्स थोड़े बड़े हैं, थाइस थोड़ी प्रोट्रूडिंग हैं, लव हैंडल्स मतलब जो साइड्स होती हैं हमारी कमर के नीचे साइड्स थोड़ी निकली हुई हैं, या हमारे आर्म्स थोड़े मोटे हैं मतलब बाजू या थाइस या लोअर लेग्स में ज़्यादा कहीं कहीं फैट निकल रहा है, कहीं बल्जिंग है, तो वो बल्ज हम कूल स्कल्पटिंग से कम कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ कूल स्कल्पटिंग, कूल स्कल्पटिंग का दूसरा नाम है क्रायोलाइपोलाइसिस, मतलब कि हम उस फैट बल्ज को फ्रीज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें ये फ्रीज करके फैट को फ्रीज कर देंगे तो फैट फ्रीज होके कैसे शरीर से गायब हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो हम फ्रिज के अंदर बैठ जाते और फ्रिज में ही हम पतले हो जाते। तो ऐसा मतलब क्या पॉसिबल है। तो लेट अस गो बैक टू साइंस। 1970 में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पेपर पब्लिश किए, मतलब डॉक्टर्स ने, कि उन्होंने शो किया, उन्होंने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने देखा कि बच्चे जो बचपन में आइस लॉलीज मींस जो बर्फ़ के गोले खाते थे बचपन में, उन्होंने देखा कि उनके फेस जब ये बच्चे बड़े हुए उनके फेस अधिकतर मोटे नहीं हुए। इसका मतलब इस एरिया में जहाँ पर हम अपनी आइस लॉली को या अपने जो आइस के बर्फ़ के गोले को चीक्स के अंदर रखते हैं एज अ चिल्ड्रन, तो वो एरिया मोटा नहीं हुआ। कुछ ऐसा साइंटिस्ट ने सोचा कि ये क्या हो रहा है कि अगर हम उस एरिया पे बर्फ़ रख रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए और बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए तो वहाँ पर फैट अक्यूमुलेट नहीं हो रहा। तो कुछ और साइंटिस्ट ने ये पेपर पढ़ के एक स्टडी करी, इनफैक्ट अब तो बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें उन्होंने देखा कि अगर हम स्टडीज़ पिग्स में करी थी पहले कि अगर हम एक शरीर के फैटी एरिया पे अगर हम फ्रीज करते हैं पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे लेके जाते हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो जो उसकी सेल्स हैं वो सेल्स फ्रीज होने के बाद टूटना शुरू कर देती हैं, उनमें से जो फैट है वो फैटी एसिड्स बन के टूट टूट के निकल जाता है और वो एरिया जो है वो एरिया फ्लैट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो फैट बल्ज कम हो जाती है। तो इसके बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी बनी जो US में बनी है, रिसर्च सेंटर्स में बनी है, जिसको हम कूल स्कल्पटिंग बोलते हैं। ये मेरा कूल स्कल्पटिंग का कमरा है मेरे क्लिनिक में और यहाँ पर ये बेड है जहाँ पे पेशेंट बैठता है, लेटता है, और ये मशीन है जिसे कूल स्कल्पटिंग कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक एप्लीकेटर होता है और ये एप्लीकेटर मैं जाके आपको दिखाती हूँ। ये ऐसा एप्लीकेटर है, तो ये कूल स्कल्पटिंग मशीन है और ये कूल स्कल्पटिंग का एप्लीकेटर है। ये जैसे कप की तरह होता है और हम इस कप को उस फैट एरिया में जहाँ पे हमें फैट कम करना है इसको ऐसे चिपका देते हैं, ये वहाँ पे फिक्स हो जाता है और ये आधे घंटे से लेकर के एक घंटे तक ये उसी पोजीशन में रहता है। अब जब हम इस कप को लगाते हैं, क्योंकि वैक्यूम से लगता है तो थोड़ी टगिंग मतलब थोड़ा पुल जैसी फीलिंग आती है और फिर 3 मिनट के लिए कूलिंग सेंसेशन आती है, जैसे हल्की सी ठंडापन आता है और फिर 3 मिनट के बाद वो सेंसेशन कुछ भी नहीं फील करते हैं। आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो आप बैठे हैं, आप बातें कर सकते हैं, आईपैड पे काम कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं, विच मीन्स दैट दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो देन वंस दिस कप इज़ इन दैट प्लेस फॉर दैट मच पीरियड ऑफ टाइम यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एल्स। जब हम इस कप को आधे एक घंटे के बाद निकालते हैं
तो आपका डॉक्टर उस एरिया की मसाज करते हैं, और मसाज करने के बाद वो एरिया वैसे ही फील होता है जैसे नॉर्मल स्किन होती है, एंड देन आप घर चले जाते हैं। माइल्ड रेडनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और घर जाने के बाद नॉर्मली पेशेंट बहुत कंफर्टेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, पर माइल्ड सोरनेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर होती है तो ये हफ्ते 10 दिन में अपने आप चली जाती है। या फिर आप माइल्ड क्रोसिन या कोई हल्का फुल्का पेन किलर इसके लिए ले सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर विच आई हैव एक्सप्लेन टू यू, बट नाउ लेट मी कम बैक अबाउट वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन दिस प्रोसीजर। जब ये फैट सेल्स फ्रीज हो जाती हैं तो ये फैट सेल्स धीरे धीरे टूटनी शुरू हो जाती हैं, और ये फैट सेल्स टूट के इनका लिक्विड बन जाता है, और ये हमारे शरीर में लिवर किडनी के थ्रू, यूरिन, स्वेट के थ्रू ये फैट निकल जाता है। तो मतलब पेशाब के रास्ते या पसीने के रास्ते ये फैट, या स्टूल के रास्ते ये फैट हमारी बॉडी से निकल जाता है, और इस फैट को निकलने के लिए अक्सर 2 महीने चाहिए होते हैं, विच मीन्स दैट दिस फैट इज स्लोली रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, विच मीन्स कि जैसे जैसे फैट धीरे धीरे निकलता है, स्किन साइमल्टेनियसली टाइट होनी शुरू हो जाती है, एंड स्किन इलास्टिसिटी के साथ अपनी नॉर्मल प्लेस में आ जाती है। तो इसका ये एडवांटेज है कि सडन फैट लॉस नहीं हो रहा। ये सडन फैट लॉस जो सर्जरी या लाइपोसक्शन में होता है, ये स्किन को लूज छोड़ जाता है, पर कूल स्कल्पिंग में बिकॉज द फैट इज गोइंग आउट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, द स्किन रिट्रैक्ट्स बैक, स्किन बाउंस कर जाती है वापस, और स्किन वहाँ पे टाइट हो जाती है। तो ये ट्रीटमेंट किस किस एरिया पे किया जा सकता है? ओके, इट कैन ट्रीट एनी फैट बल्ज जो आर्म्स पे हो, थाइस पे हो, आउटर थाइस पे हो, इनर थाइस पे हो, या पेट स्टमक फैट को रिमूव करने के काम आता है, अपर स्टमक, लोअर स्टमक, लव हैंडल्स, हिप्स के साइड्स में जो फैट होता है वो रिमूव होता है, या कई बार देखा गया है कि लोगों की लोअर बैक या अपर बैक में फैट के बल्जेस आ जाते हैं, ब्रा के नीचे बल्जेस आ जाते हैं जो रिमूव करते हैं। फिर हम इसको बहुत पॉपुलरली बॉयज़ में यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया, मतलब बड़े ब्रेस्ट हो जाते हैं, और वो बड़े बड़े ब्रेस्ट अक्सर अच्छे नहीं लगते लड़कों को, तो उस केस में हम ये कूल स्कल्पटिंग के एप्लीकेटर्स ब्रेस्ट पे लगा के उनके साइज़ को नॉर्मलाइज करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक कम्फर्टेबल प्रोसीजर है, आधे घंटे से 1 घंटा लगता है एक साइकिल में, पर अगर ज़्यादा साइकिल्स की ज़रूरत हो, मतलब कि अगर फैटी एरिया बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे साइकिल्स की ज़रूरत है, मान लो 4 साइकिल्स की ज़रूरत है, तो 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे का टाइम लग सकता है। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट कॉल्ड क्रायोलाइपोलाइसिस। इट फ्रीजेज द फैट सेल्स, जो फैट सेल्स फ्रीज हो जाती हैं ये शरीर से स्टूल, स्वेट और यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं। ये फैट धीरे धीरे जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स लगते हैं, और ये अगर आप रिपीट करना चाहें, क्योंकि हर सिटिंग में 20-25% फैट जाता है, और अगर आप 20-25% फैट ही लूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 सिटिंग ही बहुत है, पर अगर फैट ज़्यादा है तो हो सकता है आपको दूसरे सिटिंग की ज़रूरत पड़े। सो व्हेन यू कम टू आवर क्लिनिक, आवर डॉक्टर्स और आवर बॉडी स्पेशलिस्ट्स, दे मीट अप विद यू, वी असेस योर फैट बल्जेस, हम आपके गोल्स को देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और आपकी बॉडी की असेसमेंट करते हैं के, और फिर डिसाइड करते हैं कि कूल स्कल्पटिंग के कितने साइकिल्स आपको ज़रूरत होंगे, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये साइकिल आपके कौन से फैटी एरिया पे लगना चाहिए। तो आपको कितना समय लगेगा, 1 सिटिंग, 2 सिटिंग या 3 सिटिंग, आपके डॉक्टर्स आपको मिलने के बाद असेस कर सकते हैं। कूल स्कल्पटिंग, हु ऑल कैन गेट दिस प्रोसीजर डन? कूल स्कल्पटिंग कैन बी डन बाय एनी अडल्ट, अ बॉय और अ गर्ल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। जैसे किसी का फैट है और वो बेटर बॉडी चाहते हैं, वो ये करा सकते हैं। सेकेंडली, कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, कईयों को बैक प्रॉब्लम होती है और वो बहुत चल नहीं पाते या बहुत मोबाइल नहीं है, तो और पर भी उनके टमी पे या बॉडी पार्ट्स में बहुत फैट है, तो वो एक कूल स्कल्पटिंग करा सकते हैं। तीसरी चीज़, एज लॉन्ग एज आपको कोई बहुत मेजर इलनेस या क्रॉनिक इलनेस नहीं है तो आप करा सकते हैं। इन फैक्ट हाइपरटेंशन एंड डायबिटिक पेशेंट्स भी बहुत हैं जो हमारे पास कूल स्कल्पटिंग कराने आते हैं।
So the cool sculpting treatment is easy fat loss therapy which can be done with the help of a technology. So what is the cost? इसकी कॉस्ट स्टार्ट करती है अबाउट 30,000 to 35,000. डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना फैट है और आपकी बॉडी में कितने साइकिल्स लगेंगे. सो टू बेस्ट नो द कॉस्ट यू शुड कंसल्ट अस एंड फाइंड आउट हाउ मच इट विल कॉस्ट यू. तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू इफ इट हैज़ हेल्प्ड यू देन आई एम वेरी हैप्पी. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज प्लीज़ कॉल अस अप और व्हाट्सएप अस. We will try to answer each and every of your query to the best of our ability. Thank you very much for being with me. Have a great day.